हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द होमस्टेड। दोस्तों, आज दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्लेन को कभी अंदर से नहीं देखा या फिर प्लेन में कभी ट्रैवल नहीं किया। वैसे प्लेन का इन्वेंशन हुआ उसको तो 116 साल बीत गए, लेकिन आज भी दुनिया में बहुत सारी ऐसी जनसंख्या है जिसने प्लेन को कभी अंदर से नहीं देखा और प्लेन में कभी ट्रैवल भी नहीं किया। वैसे पर्सनली मैंने भी कभी प्लेन में ट्रैवल नहीं किया है, लेकिन जिस दिन कभी ना कभी तो हम प्लेन में ट्रैवल करेंगे और उस दिन हमें ये पता होगा कि प्लेन का इन्वेंशन कैसे हुआ। तो चलिए जानते हैं प्लेन के इन्वेंशन के बारे में। मैं हूँ विशाल और आप देख रहे हैं होमस्टे। हवाई जहाज का इतिहास की शुरुआत वर्ष 1895 में हमारे भारत में ही हुई थी, लेकिन इतिहास में हमारा कोई नाम नहीं है क्योंकि उस समय भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। हवाई जहाज के इतिहास में कई विवाद रहे। 1895 में शिवकर बापूजी तलपड़े नाम के एक वैदिक विद्वान ने मुंबई की चौपाटी के पास हवाई जहाज को उड़ाया था। श्री तलपड़े ने नई दुनिया के लिए पहली हवाई जहाज बनाई थी जो 100 फीट की ऊंचाई तक अपनी उड़ान भरा था, लेकिन इतिहासकारों ने इस किसी के नाम को दुनिया के सामने नहीं रखा। आधुनिक वायुयान को सबसे पहले राइट बंधुओं ने बनाया था। विल्बर राइट और ओरिवल राइट में केवल चार साल का ही अंतर था जिस समय उन्होंने हवाई जहाज बनाने का ख्याल आया। उस समय विल्बर सिर्फ 11 साल का था और ओरिवल की उम्र 7 साल थी। हुआ यूं कि एक दिन उनके पिता दोनों के लिए एक उड़ने वाला खिलौना लाए। यह खिलौना बांस, कार्क, कागज और रबर के छल्लों का बना था। इस खिलौनों को उड़ता देख विल्बर और ओरिवल के मन में भी आकाश में उड़ने का विचार आया। उन्होंने निश्चय किया कि वे भी एक ऐसा खिलौना बनाएंगे। इसके बाद वे दोनों एक के बाद एक कई मॉडल बनाने में जुट गए। अंततः उन्होंने जो मॉडल बनाया उसका आकार एक बड़ी पतंग सा था। इसमें ऊपर तख्ते लगे हुए थे और उन्हीं के सामने छोटे छोटे दो पंखे भी लगे थे जिन्हें तार से झुकाकर ऊपर या नीचे किए जा सकते थे। बाद में इसी यान में एक सीधी खड़ी पतवार भी लगाई गई। इसके बाद राइट भाइयों ने अपने विमान के लिए एक 12 हॉर्स पावर का डीजल इंजन बनाया और इसे वायुयान के निचली लाइन के दाहिने और निचले पंखे पर फिट किया और बाईं ओर पायलट को बैठने की सीट बनाई। राइट बंधुओं के प्रयोग काफी लंबे समय तक चले, तब तक कि वे काफी बड़े हो गए थे और अपने विमान की तरह ही उनमें भी परिपक्वता आ गई थी। आखिर में 1903 में 17 दिसंबर को उन्होंने अपने वायुयान का परीक्षण किया। पहली उड़ान ओरिवल ने की। उसने अपना वायुयान 36 मीटर की ऊंचाई तक उड़ाया। इसी यान से दूसरी उड़ान विल्बर ने की और उसने हवा में लगभग 200 फीट की दूरी तय की। तीसरी उड़ान फिर ओरिवल ने और चौथी अंतिम उड़ान फिर विल्बर ने की। उसने 850 फीट की दूरी लगभग 1 मिनट में तय की थी। यह इंजन वाले जहाज की पहली उड़ान थी। इसके बाद नए नए किस्म के वायुयान बनने लगे और ये सभी वायुयान एक ही सिद्धांत पे काम करते थे। एरोप्लेन की कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की हम बात करें तो हर दिन दुनिया में 2 लाख एरोप्लेन उड़ते हैं। अब तक केवल 5% जनसंख्या ही एरोप्लेन में बैठ पाई है। टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में एरोप्लेन ऑटो पायलट मोड में उड़ सकते हैं, लेकिन पैसेंजर की सुरक्षा देखते हुए कंट्रोल रूम में पायलट होना जरूरी है। दुनिया का सबसे बड़ा यात्री प्लेन एयरबस A380 है जिसमें 4 इंजन लगे हैं। एयरप्लेन चलाने वाले कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर एक जैसा खाना नहीं खाते। ऐसा इसलिए अगर दोनों में से किसी एक की तबीयत खराब होती है तो दूसरा प्लेन को संभाल सके। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब पहली बार चांद पर चले थे तब उनके पास राइट ब्रदर्स के पहले एयरप्लेन का एक टुकड़ा था। 1886 में वोयगर नाम के प्लेन ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, वो भी बिना उतरे और बिना दोबारा फ्यूल को भरे। हर 5 में से एक इंसान को उड़ने से डर लगता है, उसे एवोफोबिया कहते हैं। प्लेन में इमरजेंसी के टाइम जो ऑक्सीजन मास्क आपको दिया जाता है उनके सहारे आप सिर्फ 15 मिनट जिंदा रह सकते हैं।
1987 में अमेरिका के एक व्यक्ति ने एयरलाइन को 69 लाख रुपए देकर एयरलाइन का लाइफटाइम यानी कि आजीवन पास बनवा लिया और 2008 तक उस आदमी ने 10,000 से ज्यादा उड़ान भर डाली। ऐसे में इससे एयरलाइन कंपनी को 1,42 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और 2008 में कंपनी ने हार मानकर उस आदमी का पास रद्द कर दिया। हे गाइस, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि होमस्टेड के इन्वेंशन के वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए इन्वेंशन के साथ। तब तक के लिए सेफ रहिए, हैप्पी रहिए, अपने आजू बाजू सफाई रखें, नियमों का पालन करें और